हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। चुनाव के बाद अब ईवीएम की पहरेदारी, प्रदेश भर में कड़ी सुरक्षा में रखी गई है ईवीएम। स्ट्रांग रूम के बाहर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, बड़ी खबर इस वक्त की। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाल दिया है। आपको बता दें 24 अक्टूबर को नतीजों का ऐलान होगा और ऐसे में अब ईवीएम की सुरक्षा को कड़ी कर दी गई है। चुनाव नतीजों से पहले आयोग भी पूरी तरह से तैयार है। कल सभी 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई थी और लगभग छिटपुट घटनाओं को छोड़ देते शांतिपूर्ण ही रहा विधानसभा चुनाव। देशभर में कड़ी सुरक्षा में रखी गई ईवीएम, बड़ी खबर इस वक्त की। स्ट्रांग रूम के बाहर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। फतेहाबाद से हमारे संवाददाता अजय मेहता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था क्या ईवीएम की वहां पर भी देखी जा रही है, क्या हालात बने हुए हैं? जी रेनू, बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद के अंदर जो ईवीएम कल रात से ही आने शुरू हुई थी और फर्स्ट कॉलेज है, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है, यहाँ रखी गई है, यहाँ जो है थ्री टीयर सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है, जिसके अंदर सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस तीन स्तरीय जो है सुरक्षा रखी गई है। इस व्यवस्था को मिल पाना इसमें आज शाम को क्या घूमने की बस की बात नहीं है, पूरे इलाके जो है शाम तब्दील किया गया है और मुक्त भवन जो है इसके अलावा खबरें ये भी आ रही है कि तमाम राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता है उन्होंने भी डेरा जमा रखा है, क्योंकि आपको पता है कि पहले से विपक्ष लगातार ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप सत्ता पक्ष पर लगाता रहा है, इसको लेकर क्या गहमागहमी देखने को मिल रही है? लोकसभा इलेक्शन तक किस प्रकार से जो है राजनीतिक दल है उन्होंने कवायद की थी कि ईवीएम की सुरक्षा को एक बड़ा परसेंटेज लगाते हुए खुद वहां पर अपने टेंट गाड़ के सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। तो यह कि पॉलिटिकल पार्टी ने उनके लोग पुलिस के बाद के बाद जो है धरना बैठे हुए हैं और एक जो है इनका सुरक्षा को लेकर के बड़ी तेजी से पहरेदारी कर रहे हैं। जी चलिए अजय, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो संवाददाता अजय मेहता हमारे साथ फतेहाबाद से जुड़े हुए थे और जानकारी दे रहे थे कि पूरे तरीके से ईवीएम की व्यवस्थाएं सुरक्षा की वहां पर कड़ी कर दी गई हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। आपको पता होगा कि पंचकुला में भी ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोप लगाते हुए कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रमोहन और पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया, जोरदार हमला बोला, पुलिस प्रशासन पर आरोप गंभीर लगाए गए। इसके अलावा शाहबाद में भी लोगों ने एक गाड़ी को घेर लिया और उनको शक था कि ईवीएम से भरी इस गाड़ी का दुरुपयोग किया जा सकता है। और इसी तरह की एक दो जगहों से और खबरें आई हैं और यही वजह है कि ईवीएम को लेकर जिस तरीके से संदेह उत्पन्न हो रहे हैं और विपक्ष जिस तरीके से उसको लेकर सवाल खड़े कर रहा है, और उसके बाद पूरे प्रदेश भर में ईवीएम की सुरक्षा को कड़ी कर दी गई है। लगभग हालांकि चुनाव शांतिपूर्ण रहा है, लेकिन चुनाव के बाद अब ईवीएम की पहरेदारी काफी मजबूती से देखी जा रही है। स्ट्रांग रूम के बाहर पुलिस के जवान तैनात किए गए। तमाम जो स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं उन सभी पर पैनी नजर रखी जा रही है। पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं
सभी पार्टियों के उन्होंने स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाल लिया है। फरीदाबाद, अंबाला और कैथल की तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच, चाक चौबंद व्यवस्था के बीच यहां पर ईवीएम को रखा गया है ताकि किसी भी तरीके की कोई शिकायत जो है ईवीएम से वो ना मिल पाए। छेड़छाड़ के आरोप जिस तरीके से लगे हैं ईवीएम पर, प्रशासनिक अमले पर कई जगहों पर, और इसको लेकर माहौल भी काफी गर्माया हुआ है, तो ऐसे में प्रशासन अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं बरतना चाहता और यही वजह है कि पूरी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था ये कड़ी कर दी गई है। फरीदाबाद, अंबाला, कैथल की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो है पूरी चाक चौबंद कर दी गई। स्ट्रांग रूम के बाहर भी पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। तो लगभग शांतिपूर्ण रहा विधानसभा चुनाव, लेकिन आपको बता दें कि अब प्रदेश भर में ईवीएम की सुरक्षा को कड़ी कर दी गई है। प्रदेश भर में स्ट्रांग रूम पर नजर रखी जा रही है। पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं सभी पार्टियों के, वो स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाले बैठे हुए हैं। बड़ी खबर, चुनाव के बाद अब ईवीएम की पहरेदारी, प्रदेश भर में कड़ी सुरक्षा में ईवीएम रखी गई है। स्ट्रांग रूम के बाहर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाला हुआ है। 24 अक्टूबर को चुनाव नतीजों का ऐलान होगा। चुनावी नतीजों से पहले आयोग भी पूरी तरीके से तैयार है, और आपको बता दें कल सभी 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई थी। कई जगहों से जिस तरीके से ईवीएम में से छेड़छाड़ की खबरें आई और उसके बाद कई जगहों पर विरोध भी हुआ इसका, इसके बाद पूरे तरीके से व्यवस्था सुरक्षा पूरी चाक चौबंद कर दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की कि चुनाव के बाद प्रशासन ने ईवीएम की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। प्रदेश भर में स्ट्रांग रूम पर नजर रखी जा रही है।
उपचुनाव के बाद अब ईवीएम की पहरेदारी संवाददाता कुरुक्षेत्र से भरत साबरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भरत, क्या व्यवस्था वहां पर ईवीएम की देखी जा रही है? जिस तरीके से कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि स्ट्रांग रूम के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसे रखा गया है, क्या जानकारी? भरत, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है कि संपर्क हमारा नहीं हो पाया, लेकिन ये बड़ी खबर अभी तक की कि कल सभी 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग के बाद अब ईवीएम को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखा गया है। चुनाव के बाद अब ईवीएम की पहरेदारी, बड़ी खबर इस वक्त की। और चुनाव के बाद प्रशासन ने ईवीएम की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। प्रदेश भर में स्ट्रांग रूम पर पैनी नजर रखी जा रही है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाला है। तो तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं वो चुनाव के बाद ईवीएम की पहरेदारी के हैं। चुनाव नतीजों से पहले आयोग भी पूरी तरीके से तैयार है और आपको बता दें कि अब कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईवीएम को रखा गया है। स्ट्रांग रूम के बाहर तमाम पुलिस के जवान जो हैं वो तैनात किए गए हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईवीएम को रखा गया है। 24 अक्टूबर को आपको बता दें चुनावी नतीजों का ऐलान होना है और प्रदेश भर में अब कड़ी सुरक्षा में ईवीएम को रखा गया है। ईवीएम को लेकर पहले से ही प्रदेश की सियासत बेहद गर्म है और अब किसी भी तरीके की घटना से बचने के लिए ईवीएम को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखा गया है। विधानसभा चुनाव, लेकिन ईवीएम को लेकर बवाल जो है वो प्रदेश में कई जगहों पर देखने को मिला, जिसके बाद अब ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी देखने को मिल रही है। आयोग भी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। 24 अक्टूबर को होगा चुनाव नतीजों का ऐलान और चुनाव नतीजों से पहले आयोग भी पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है।
स्ट्रांग रूम के बाहर पुलिस के जवान तैनात हैं। इसके अलावा तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने भी डेरा जमा रखा है। प्रतला की खबर हो या फिर फरीदाबाद या फिर कुरुक्षेत्र, तमाम जगहों से इस तरह की तस्वीरें हमारे पास आई हैं कि पूरे तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है ईवीएम की। फरीदाबाद का रुख लेते हैं, संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजा, क्या तैयारियां हैं ईवीएम की सुरक्षा को लेकर फरीदाबाद की अगर हम बात करते हैं तो? जी बिल्कुल, देखिए तैयारियां आज सतराम धर्मशाला यहाँ पर बनाई गई है। तमाम जो फोर्सेस हैं, सबसे पहले मिलिट्री फोर्स है, उसके बाद कहीं ना कहीं सीआईए के जवान है, उसके बाद जो पुलिस के जवान है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए कि किस तरीके से जो अंदर पुलिस के जवान और थ्री लेयर सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं यहाँ पर फोर्सेज है, वहां पर जो केंद्र के जवान भी, यहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान भी कहीं ना कहीं तैनात है। तो तमाम जो सिक्योरिटी है यहाँ पर कहीं ना कहीं चाक चौबंद है, चारों तरफ से कहीं ना कहीं पुलिस ने दौलतराम धर्मशाला को घेर रखा है। मैं आपको बताऊं कि आस पास के एरियो में धारा 144 भी लागू की गई है कि हर एक लोगों पर, हर एक गतिविधियों पर कहीं ना कहीं नजर रखी जा रही है। जी, इसके अलावा अगर राजा बात करें तो तमाम जो विपक्षी दल हैं उनकी भी पैनी नजर है स्ट्रांग रूम के बाहर, तो ऐसे में क्या राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं क्या? बीजेपी प्रत्याशी बख्शी का वीडियो वायरल हुआ था और बताया था कि आप कहीं भी वोट डालें पर वोट कहीं ना कहीं बीजेपी सिंबल पर यानी कि कमल पर ही गिरेगा। तो पर ऐसे में जो विपक्षी पार्टियां हैं, खासतौर पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी और जो समर्थक हैं, तमाम जितने भी स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं, चाहे दौलत राम की धर्मशाला की बात करें, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो समर्थक आज सुबह यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और लगातार कहीं ना कहीं पैरे की बात कर रहे थे। पर पुलिस के जवान साफ तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर पैरा कर रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सूझबूझ पर उनको समझा कर वहां से हटा लिया गया है। पर कहीं ना कहीं लगातार कांग्रेस के जो प्रत्याशी है और जो कांग्रेस के समर्थक है, लगातार विजिट हर एक बूथों पर कर रहे हैं। जी चलिए राजा, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। संवाददाता राजा पटेल सीधे फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए थे और जानकारी भी उन्होंने दी और दिखाया किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था वहां पर चाक चौबंद कर दी गई है। चौबीस अक्टूबर को चुनावी नतीजों का ऐलान और उससे पहले ईवीएम की सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। चुनावी नतीजों के पहले आयोग भी पूरी तरीके से तैयार है। कल सभी 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई और कड़ी सुरक्षा के बीच इन ईवीएम को अब रखा गया है।